नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं जो हिंदी की कक्षाएं चल रही है वो आपके बराबर समझ में आ रही होगी, और जो मैं फैक्ट देना चाह रहा हूं आपको, अधिक से अधिक फैक्ट देना चाह रहा हूं, वो समझ में आ रहे होंगे आपके। और जैसा कुछ विद्यार्थी ने कमेंट्स करके भी बताया है कि आपके समझ में आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के भी समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी भी प्रकार के आपको हिंदी को लेकर दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, उसी का हम आपका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा विद्यार्थियों, आज जैसे हम चर्चा कर रहे थे संज्ञा टॉपिक के ऊपर, तो संज्ञा टॉपिक पे हमने एक पार्ट पढ़ लिया है। अब आज जो चर्चा करने की तरफ जा रहे हैं, हम सेकेंड पार्ट की तरफ चर्चा करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने संज्ञा के बारे में सामान्य जानकारी जानी, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानी, फिर जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के जो उपभेद होते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक, यानी कि कुछ विद्वान उनको स्वतंत्र भी मानते हैं, तो स्वतंत्र भेद के रूप में मानो चाहे जातिवाचक संज्ञा के उपभेद के रूप में मानो, उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। और अब इस वीडियो में हम जो चर्चा करने की तरफ जा रहे हैं वो भाववाचक संज्ञा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में हम पहले सामान्य भाववाचक संज्ञा जानेंगे, भाववाचक संज्ञा होती क्या है, फिर भाववाचक संज्ञाओं की कमी होने के कारण भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं तो कैसे कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा विद्यार्थियों, आपके सामने लिखा हुआ भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो परिभाषा, वे शब्द जिनसे किसी शब्द का भाव प्रकट होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं, जैसे दशा, धर्म, गुण, खुशी, दुख, दर्द, डर, घृणा, स्नेह, प्रेम, दया, करुणा, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, गलानी, पश्चाताप, हर्ष, लोभ, मोह, लोभ, धैर्य, वीरता, उमंग, आनंद, यौवन, शैशव, लिखाई, पढ़ाई या कार्य का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं उस नाम को कहते हैं जिससे किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। ये तो वापस रिपीट हो चुका है, यानी कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी भाव का, अवस्था का, गुण का, माप का, गति का, स्वाद का, दोष, स्वभाव, दशा, क्रिया, व्यापार आदि का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुल मिला के किसी का भाव का बोध होता हो, भाव का ज्ञान होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे, वो पहचान आपके सामने लिखी हुई है। देखो, भाववाचक संज्ञाओं को सिर्फ महसूस किया जाता है, सिर्फ भाववाचक संज्ञाओं को आप फील कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं विशेष्य के साथ जुड़ती नहीं है, भाववाचक संज्ञाएं विशेष्य के साथ नहीं जुड़ती है। अब सर, ये फैक्ट समझ में नहीं आया, विशेष्य क्या होता है? तो देखिए, ये तो आपके समझ में आएगा जब आप विशेषण टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, जो शब्द उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। और विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसी को क्या कहते हैं, विशेष्य। भाववाचक संज्ञा की और पहचान क्या है कि जिन शब्दों के अंत में ई, आई, तौ, ता, पन, पा, हट, बट, ईमा, वह, अ, आस इत्यादि शब्दांश यानी कि प्रत्यय वगैरह जुड़े हो तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होने की संभावना होती है। इसके अलावा भाववाचक संज्ञाओं को हम पढ़ते हैं दो प्रकार से, एक तो रूढ़ भाववाचक संज्ञा, एक यौगिक भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञाओं के प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है, केवल इनको समझने के लिए हमने ये दोनों शब्द लिखे हैं, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, यानी कि बिना किसी व्याकरण इकाई के जो निर्मित है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, ग्लानी, ये सब जो शब्द है भाववाचक संज्ञा के वो रूढ़ है। और यौगिक भाववाचक संज्ञा उनको कहते हैं जो अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग करके हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञाओं को हम छह टाइप से बना सकते हैं, छह प्रकार से बना सकते हैं। वो छह प्रकार कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। देखिएगा, भाववाचक संज्ञाओं को छह प्रकार से बनाया जा सकता है। कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, छह प्रकार से बनाया जा सकता है, या छह को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ये तो हिंदी में बिल्कुल गलत हो जाता है, ये भी सही है, ये भी सही, दोनों आ जाए तो 100% सही है, ठीक है। तो छह प्रकार से बना सकते हैं। यदि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप प्रत्यय जोड़ दो और भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी प्रकार अगर जातिवाचक संज्ञा आती है तो जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। और यदि आपको सर्वनाम आते हैं तो सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। इसके छह प्रकार से बना सकते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से
भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, इसी प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। विशेषण से क्या बना सकते हैं विद्यार्थियों? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और इसके अलावा क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अगर आपको क्रिया आती है तो क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और यदि आपको अव्यय आते हैं, अव्यय को हम बोलते हैं अविकारी शब्द। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द आते हैं तो इससे भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, जातिवाचक से बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं, और अव्यय से बना सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जिस भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था 2016 वाली जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी, उसमें मैं सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर हूं, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था ममता शब्द। क्या पूछा गया था? ममता शब्द पूछा गया था। ममता, पहली बात तो देखो, ममता किसी लड़की का नाम हो सकता है तो व्यक्तिवाचक में मानते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने खुद ने कहा कि ममता भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? चार विकल्प दे रखे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। तो विद्यार्थी उसका राइट आंसर जाता सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है। वो ममता भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? सर्वनाम से। मम सर्वनाम है, उससे भाववाचक संज्ञा बनी ममता। मम में अगर ता प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया ममता। आगे देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आगे लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञाएं छह प्रकार से बनाई जा सकती है। ये छह प्रकार मैंने आपको बता दिए, अब हम एक एक प्रकार को चर्चा करेंगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कि हमें अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है तो उससे हम क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ, ये तो क्या है? व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना। अगर राम शब्द है तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर इसमें आपने तव प्रत्यय जोड़ दिया तो रामत्व शब्द बन गया, और कंस में भी यदि आपने तव प्रत्यय जोड़ दिया, देखो ये लिखा हुआ है कि कुछ प्रत्यय जोड़कर, जैसे तव, ये, ता, ये ऐसे प्रत्यय जोड़कर क्या बना सकते हैं विद्यार्थियों? भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। इसी प्रकार शिव में तव प्रत्यय जोड़ा तो शिवत्व शब्द बन गया, रावण में यदि विद्यार्थियों ता प्रत्यय जोड़ा तो रावणता शब्द बना, रावणता भी भाववाचक संज्ञा है। ये तव प्रत्यय जोड़ दिया तो रावणत्व शब्द बन जाता है, और ईश्वर शब्द में, ईश्वर में यदि आपने ये प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन जाता है ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ईश्वर कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखिए, तो अब जात व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना ली हमने, अब हम जो लिखना चाह रहे हैं वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? तो पहली बात तो हमें जातिवाचक संज्ञा आनी चाहिए, फिर उसमें प्रत्यय कैसे जोड़ते हैं वो आना चाहिए, तब जाके बनेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो विद्यार्थियों, जो बूढ़ा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बूढ़ा से हम क्या बना सकते हैं? बुढ़ापा, आपा प्रत्यय जोड़ दो। कौन सा जोड़ दो विद्यार्थियों? आपा प्रत्यय जोड़ दिया तो बुढ़ापा शब्द बन गया। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मनुष्य में अगर ता प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? ता प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया मनुष्यता, भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। और तव प्रत्यय जोड़ दिया विद्यार्थियों तो ये इस प्रकार से बनेगा मनुष्य तव प्रकार से। टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ भाई, यहाँ लिख, ठीक है। इसी प्रकार दास में यदि ता प्रत्यय जोड़ा तो भाववाचक संज्ञा का क्या शब्द बनेगा? दासता। इसी प्रकार डाकू शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्या बनेगा? डकैती शब्द बनेगा। आगे देखते हैं ये सारे उदाहरण जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा के हैं वो कैसे बन रहे हैं। तो ये सारे उदाहरण जातिवाचक के, ये कौन सा बन रहा है? भाववाचक बन रहा है। ये जातिवाचक है और इनसे कौन सा बन रहा है? भाववाचक बन रहा है। तो देखो नौकर शब्द जातिवाचक है, नौकर में यदि आपने ई प्रत्यय जोड़ा तो नौकरी भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, तो नौकरी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। शिशु में यदि अ प्रत्यय जोड़ दिया आपने तो शब्द बनता है शैशव, क्या बनता है? शैशव। और नहीं आता है तो मैं प्रत्यय में आपको बता दूंगा कैसे प्रत्यय जोड़ते हैं इनमें। लड़का में यदि पन प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? पन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया लड़कपन। लड़का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है लेकिन लड़कपन भाववाचक संज्ञा का है। चोर में यदि ई प्रत्यय जोड़ा, बड़ा ई, तो शब्द बना चोरी, चोरी भाववाचक संज्ञा है और चोर क्या है? जातिवाचक। इसी प्रकार वकील में, वकील से शब्द बनेगा वकालत, विभू से क्या बनेगा? वैभव। मित्र में यदि आपने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बनेगा? मित्रता। और कलाकार में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? कलाकारी बन गया, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। इसी प्रकार विद्यार्थी शत्रु में यदि ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बनेगा? शत्रुता। और बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बनेगा विद्यार्थियों? बचपन, भाववाचक संज्ञा। गुरु में यदि अ प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना? गौरव। और भक्त में यदि ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? भक्ति। और मानव,
यदि ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, मानवता भाववाचक संज्ञा बन गया। ये सारे उदाहरण जो लिख रहा हूं ये जातिवाचक के हैं, और ये कौन से बन रहे हैं, भाववाचक के। फिर ये कौन से बन गए, जातिवाचक के, और ये कौन से हैं, भाववाचक के। ठीक है, तो पिता में यदि तव प्रत्यय जोड़ा, पिता जातिवाचक है, पितृत्व क्या है, भाववाचक। इसी प्रकार बंधु, देखो एक जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण उससे एक से अधिक भाववाचक संज्ञा के शब्द बन सकते हैं। बंधु का क्या बनेगा, बंधुता या बंधुत्व। ता प्रत्यय, अगर बंधु में आपने ता प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना बंधुता, और यदि आपने तव प्रत्यय जोड़ा है तो क्या बनेगा, बंधुत्व शब्द बनेगा। आगे देखते हैं, देखो विद्यार्थियों सेवक शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेवक में, सेवक से भाववाचक संज्ञा क्या बनता है, सेवा बनता है। क्या बनता है, सेवा, आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार पशु में ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, पशुता, और तव प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बन जाएगा, पशु, तव शब्द बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वृद्ध में यदि आपने ये प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना वार्धक्य, और बाल में यदि पन प्रत्यय जोड़ा तो बालपन, और देव में देव, तव प्रत्यय जोड़ा तो देवत्व। देव से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, देवत्व। इंसान जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक क्या बनेगा, इंसानियत। क्या बनेगा विद्यार्थियों, लिख देता हूं यहां पर, ये जातिवाचक के उदाहरण है और ये सारे भाववाचक के हैं, ये सारे जो भी आ रहे हैं। और इसी प्रकार ये जातिवाचक का है और ये किसका है, भाववाचक का उदाहरण है। भाई का भाईचारा, महात्मा का क्या बनेगा, महात्म्य। विद्यार्थियों इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और महात्मा का महात्म्य शब्द शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछा जाता है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। महात्मा में ये प्रत्यय जोड़ा तो महात्म्य शब्द बना है, क्या बना है, महात्म्य। ठीक है, इसी प्रकार हिंदू में तव प्रत्यय जोड़ा तो हिंदुत्व शब्द बन जाता है। हिंदू अकेला लिखते हैं तो द में कौन सा मात्रा आती है विद्यार्थियों, बड़ा उ की मात्रा आती है, लेकिन हिंदुत्व लिखेंगे तो द में छोटा उ की मात्रा आएगी। इसी प्रकार नारी में तव प्रत्यय जोड़ा तो नारीत्व भाववाचक बनेगा, पुरुष में तव प्रत्यय जोड़ा तो पुरुषत्व बन जाएगा, और अप्रत्यय जोड़ा तो पौरुष शब्द बन जाएगा भाववाचक में। व्यक्ति में तव प्रत्यय जोड़कर क्या बना सकते हैं आप, व्यक्तित्व बन सकता है, तो ये जातिवाचक और ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बन रहे हैं। ये जातिवाचक के हैं सारे और ये भाववाचक के हैं। तो नारी का नारीत्व, पुरुष का पुरुषत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व, वत्सल का वात्सल्य बनेगा, क्या बनेगा, वात्सल्य। ठग का ठगी, ठाकुर का ठकुराई शब्द बनेगा विद्यार्थियों, क्या बनेगा, ठकुराई, और तरुण का तरुणाई, किशोर का किशोरावस्था, और मर्द का मर्दानगी। इसी प्रकार कवि का कवित्व बनता है, पिता का पितृत्व बनता है, इसी प्रकार माता का मातृत्व शब्द बनता है, कुमार का कौमारी शब्द बनता है, मजदूर का मजदूरी, आदमी का आदमियत, पंडित का जो शब्द बनेगा पंडिताई, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, और युवा का यौवन शब्द बनेगा। ये हो गया विद्यार्थियों व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं वो सीख लिया हमने, इसी प्रकार जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं वो सीख लिया। अब आ रहा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे कैसे बनते हैं वो देखिएगा। तो एक तरफ लिखा हुआ सर्वनाम के शब्द और इनसे लिखा हुआ भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, फिर यहां सर्वनाम लिखे हुए और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिख रखे हैं। जैसे सर्व शब्द में आपने सव प्रत्यय जोड़ा तो सर्व सव शब्द बना भाववाचक में, पराया में पन प्रत्यय जोड़ा तो प्रायापन, निज में तव प्रत्यय जोड़ा तो निजत्व, और ता प्रत्यय जोड़ दिया तो निजता बन जाएगा, आप में यदि आप प्रत्यय जोड़ा तो आपा। इसी प्रकार अपना में पन जोड़ा तो अपनापन, और तव प्रत्यय जोड़ दिया तो अपनत्व शब्द बन जाता है, और सव में तव प्रत्यय जोड़ दिया तो सवत्व बन जाता है, और मम शब्द में यदि आपने ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, ममता। अभी थोड़ी देर पहले दिया था ऐसा ही 2016 में पूछा गया प्रश्न है, हालांकि एग्जाम 2018 में हुआ था ये वाला, और फाइनली जो ज्वाइनिंग मिली है वो 2021 में मिली है। एसआई की जो भर्ती थी वो 2016 की थी और इसमें जो फाइनल ज्वाइनिंग मिली वो 2021 मिली विद्यार्थियों, 21 जुलाई 2021 में, और इसका एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2018 में। अहम में यदि कार प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बनेगा, अहंकार शब्द बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसी प्रकार सर्वनाम से हो गया, अब विशेषण से भी हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। विशेषण में जैसे आई, इमा, ई, ये, आस, ए, आपा, ता, तौपन इत्यादि प्रत्यय जोड़कर हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे लाल विशेषण है, लाल में यदि आपने ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, लाली। ईमा प्रत्यय जोड़ गया तो क्या बन गया, लालीमा। चतुर से क्या बनेगा विद्यार्थियों, चतुरता या चतुराई बन जाता है। मीठा से मिठास शब्द बनता है, गर्म से गर्मी, मोटा से मोटापा या मोटापा, हरा से हरियाली, निर्बल से निर्बलता, विनम्र से विनम्रता शब्द बनता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, इसी प्रकार ये तो दे रखा है विशेषण के उदाहरण, ये तो किसके हैं, विशेषण है, और इनसे जो बन रही है ये भाववाचक संज्ञा बन रही है। इधर वापिस वही विशेषण आ रहा है और इधर ये कौन सी आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे।
तो कठोर शब्द एक विशेषण है, कठोर का क्या बनेगा भाववाचक में, कठोरता, खट्टा का खट्टापन या खटास, काला का कालीमा, मधुर का मधुरता या माधुर्य, और स्वस्थ का स्वास्थ्य बनता है। अच्छा का क्या बनता है विद्यार्थियों, अच्छा ही बनता है भाववाचक संज्ञा। उदार का उदारता, सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य, सफेद का क्या बनेगा सफेदी बनेगा, और चंचल का क्या बनेगा चंचलता शब्द बनेगा। आगे देखते हैं सर्द का क्या बनेगा विद्यार्थियों, सर्दी। साफ का सफाई, सरल से सरलता, बुरा से बुराई शब्द बन जाता है। पतित से पतन, न्यून से न्यूनता, भला से भलाई, गोरा से गोरापन, ऊंचा से ऊंचाई, वीर से वीरता या वीरत्व, पीला से पीलापन और आलसी से आलस्य भाववाचक संज्ञा बनता है। ये सारे विशेषण हैं, ये क्या है विशेषण और ये क्या है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसी प्रकार ये विशेषण आ गया और ये क्या आ गया विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आ गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखो विद्यार्थियों, इसी प्रकार साफ जो विशेषण है, साफ क्या विद्यार्थियों विशेषण, इससे जो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा सफाई, बेईमान से बेईमानी, महा से महिमा, गर्म से गर्मी, अरुण से अरुणिमा, अमीर से अमीरी और कंजूस से कंजूसी बनता है। इसी प्रकार ये सारे विशेषण के उदाहरण है और ये सारे भाववाचक के इधर लाइन में रो में दे रखे हैं। लोभी का लोभ, ईमानदार का ईमानदारी, धीर का धैर्य शब्द बनता है। क्या बनता है विद्यार्थियों धैर्य, कठिन का कठिनाई, हरित का हरितिमा, चालाक का चालाकी, उचित का औचित्य शब्द बनता है, इंपोर्टेंट का लेना। आगे देखो विद्यार्थियों ये सारे विशेषण के उदाहरण, विशेषण के बहुत सारे उदाहरण दे दिए ठीक है, पर आपका तो फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है इसमें, फायदा ही है आपका। इसी प्रकार ये विशेषण और ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो उदार का क्या बनेगा विद्यार्थियों, औदार्य शब्द बनता है, निपुण का नैपुण्य, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य, और सुभाग का सौभाग्य बनता है। क्या बनता है सौभाग्य, और सूर से शौर्य शब्द बनता है, पंडित से पांडित्य शब्द बनता है, चपल से चापल्य शब्द बनता है, पतिव्रत से पतिव्रत्य, मलिन से मालिन्य शब्द बनता है, नम्र से नम्रता शब्द बनता है, और विद्वान से वैधव्य शब्द बनता है। इंपोर्टेंट कर लीजिए, कुशल का कौशल या कुशलता बनता है। आगे देखिए शिष्ट, ये भी विशेषण है विद्यार्थियों, विशेषण के उदाहरण काफी दे चुके हैं विशेषण, तो विशेषण का शिष्ट से क्या बनेगा शिष्टता भाववाचक संज्ञा बनेगा। इसी प्रकार लघु एक विशेषण है, तो लघु से क्या बनेगा विद्यार्थियों लाघव, ये है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। क्या विद्यार्थियों भाववाचक का उदाहरण है। योगी का क्या बनेगा योग, भयानक का भय बनेगा। इसी प्रकार मूर्ख से क्या बनता है मूर्खता, और आवश्यक से आवश्यकता, विपन्न से क्या बनेगा विपन्नता शब्द बनेगा, और कृपण से क्या बनेगा कृपणता, घना से घनत्व। इसी प्रकार सुहर्द से क्या बनेगा सौहार्द, मान से मानता, कायर से कायरता, रमण से रमणीयता, और एक से एकता, और दुष्ट से दुष्टता, और छोटा से छुटपन बनेगा। इसी प्रकार बच्चा, सॉरी कच्चा शब्द, कच्चा का कच्चापन बनेगा। ये सारे विशेषण है, पता है कच्चा फल, तो फल की विशेषता कौन बता रहा है कच्चा, तो कच्चापन क्या है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। इसी प्रकार ये विशेषण है बड़ा, और ये बड़प्पन क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा बनेगा। इसी पर पागल का पागलपन, कड़वा का कड़वाहट, नीला का नीलिमा, बहुत का बहुतायत, तीखा का तीखापन। इस प्रकार ये हो गया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम पढ़ेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा, तो क्रिया में प्रत्यय जोड़कर, विद्यार्थियों कभी भी क्रिया में प्रत्यय जोड़े नहीं जाते, क्रिया का जो अंश होता है जिसको हम संस्कृत में धातु कहते हैं उसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो क्रियांश में प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे अ, आई, आ, आन, आउ, आहट, ई इत्यादि प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे एक तरफ दे रखा है क्रिया के उदाहरण और एक तरफ दे रखा है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है। जैसे घबराना क्रिया है और इसमें आहट प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया घबराहट। मारना क्रिया में अगर हमने अ प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना मार, क्या बना मार। सजाना में आवट प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा आवट प्रत्यय जोड़ दिया तो बना सजावट, और लड़ना में आई प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बना लड़ाई। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। देखो जीतना ये एक क्रिया है, ये क्या विद्यार्थियों क्रिया, और जीत क्या है भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार भूलना क्या है एक क्रिया है, और भूल क्या है भाववाचक संज्ञा है।
तो चुनना का क्या बनेगा, चुनाव या चुनाई। लिखना का क्या बनेगा, लिखाई या लिखावट बनता है। लेना देना का विद्यार्थियों भाववाचक बनता है, लेन देन। दौड़ना का दौड़ बनता है, खेलना का खेल बनता है, उड़ना का उड़ान बनता है, और चढ़ना का चढ़ाई या चढ़ाव बनता है। भूलना का भूल भाववाचक संज्ञा बनता है। लूटना जो शब्द है वो क्रिया है, लूट भाववाचक संज्ञा होगा। थकना क्रिया है, थकावट या थकान भाववाचक संज्ञा है। खाना पीना का खान पीन बन सॉरी खान पान बनेगा, और हंसना एक क्रिया है, और क्रिया से भाववाचक क्या बनेगा, हंसी। तो एग्जामिनर पर्सन ये पूछ सकता है हंसी शब्द में कौन सी संज्ञा भाववाचक, हंसी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ, क्रिया से, और कौन सी क्रिया से हुआ है, हंसना क्रिया से हुआ है। हारना से क्या बनेगा, हार, और पढ़ना से क्या बनेगा, पढ़ाई, और बनाना से क्या बनेगा, बनावट बनेगा विद्यार्थियों। आगे देखिए गुनगुनाना से क्या बनता है, गुनगुनाहट, और चलना का क्या बनता है, चलन या चाल। ये सारी क्रियाएं हैं, इसके उदाहरण क्रिया और ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार चलना से चलन या चाल, धोना से धुलाई, कमाना से कमाई, पूजना से पूजा, झूलना से झूला, बहाना से बहाव, और बचना से बचाव। इसी प्रकार ये सारी क्रिया के उदाहरण है, और यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा बन रही है वो क्या, देखो काटना का काट या कटाई बनता है। इसी प्रकार उतारना या उतरना का उतार या उतराई बनता है, और खोजना का खोज, फैलना का फैलाव, घेरना का घेरा, और झगड़ना का झगड़ा, और ठहरना का ठहराव, और घबराना का घबराहट बनता है। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, एक तरफ वही क्रिया दे रखी है, और इधर भाववाचक संज्ञा है, इधर वापिस वही क्रिया है, और फिर भाववाचक संज्ञा। देखिएगा जो चिल्लाना क्रिया है, चिल्लाना में आहट प्रत्यय जोड़ा तो चिल्लाहट शब्द बन गया, झुंझलाना में आहट जोड़ा तो झुंझलाहट, भिड़ना में भिड़ंत, लेना लेना में लेन, बनाना में बनावट, बिकना में बिक्री, बैठना में बैठक, जीना में जीवन। मुस्कराना का मुस्कुराहट, झटपटाना का झटपटाहट, जलना का जलन, और इसी प्रकार रुकना का रुकावट, देना का देन, सुनना का सुनवाई, पहचाना का पहचान, और जमना का जमाव बनता है। आगे देखो गूंजना क्रिया विद्यार्थियों, गूंजना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, गूंज, और गाना क्रिया है, गाना क्रिया से क्या बनेगा, गान बनेगा भाववाचक संज्ञा। पीना का क्या बनेगा, पान शब्द बनेगा विद्यार्थियों, क्या बनेगा, पान बनेगा। तो इस प्रकार हमने क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना ली। अब लास्ट जो छठा बचता है, कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, वो बनाते हैं अव्यय से। कैसे बनाते हैं विद्यार्थियों, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अव्यय की जगह आपको मिल सकता है अविकारी शब्द, क्या मिल सकता है, अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, अव्यय को ही अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें ई, ता, ये, ही इत्यादि परतें जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे भीतर शब्द अव्यय है, यदि इसमें ई परतें जोड़ा तो क्या बना, भीतरी, दूर से, दूरी, निकट से, निकट में ता परतें जोड़ा तो निकटता, और यह बन जाएगा नैकट्य। व्यवहार में एक परतें जोड़ दिया तो क्या बनता है, व्यवहारिक बनता है। इसी प्रकार दिक में कार जोड़ा तो धिक्कार, ऊपर में ई परतें जोड़ा तो ऊपरी, परस्पर में एक परतें जोड़ा तो भाववाचक क्या बनेगा, पारस्परिक, और समीप में सामीप्य बनता है और समीपता बनता है। शीघ्र में ता परतें जोड़ दिया तो क्या बन गया, शीघ्रता, और मना में ही जोड़ दिया तो मनाही शब्द बन जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों हम पढ़ चुके हैं भाववाचक संज्ञा छह प्रकार से कैसे बनाते हैं उसके बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे संज्ञाओं का रूप परिवर्तन कैसे करते हैं, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में कैसे बदलते हैं, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में कैसे बदलते हैं, जाति से भाव कैसे बनाते हैं, भाव से जाति कैसे बनाते हैं। तो इनको आपस में इनका जो रूप परिवर्तन होता है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको अब तक की हमारी क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू मित्रों।